हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन से। आज हम आप लोगों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर एक है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है दो प्रकार की होती है, नंबर एक गतिज ऊर्जा, नंबर दो स्थितिज ऊर्जा। इसका जो सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है। क्वेश्चन नंबर दो है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जो ऊर्जा का मात्रक होता है ये जूल होता है। क्वेश्चन नंबर तीन है, गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है? जो गुरुत्वीय बल का मान होता है यानी कि स्मॉल जी बराबर 9.8 m/s² होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक होता है, जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के एग्जांपल हैं, नंबर एक कोयला, तेल, गैस, जल, ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? अरे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं पानी, पवन, सूर्य, हाइड्रोजन, भूतापीय ऊर्जा, यह पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? जो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है, इसमें 85% कार्बन होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बायोगैस की मुख्य संरचना है, जो बायोगैस की मुख्य संरचना है ये मीथेन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये कोचीन, केरल में स्थित है। क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे बड़ा पवन फार्म कहाँ स्थित है? जो ये सबसे बड़ा फार्म है मुप्पड़क विंड फार्म तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोयले की कितनी खपत विद्युत उत्पादन में होती है? जो 75% है विद्युत उत्पादन में खपत होती है कोयले की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व में कोयला भंडार में सबसे आगे कौन सा देश है? सबसे आगे नंबर एक पे अमेरिका है, नंबर दो पे रूस है, नंबर तीन पे चीन है, नंबर चार पे भारत है, यानी फोर्थ रैंक है। जो कोयला उत्पादन में भारत की फोर्थ रैंक है। नाभिकीय ऊर्जा का विकास किस देश में हुआ था? जो नाभिकीय ऊर्जा का विकास है इस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, 1957 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला GDP वाला देश है ये भारत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान है, जो विश्व में ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान है ये 11वां है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में ऊर्जा खपत में भारत का स्थान है, जो ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान है ये 6ठा स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? जो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं लकड़ी है, कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? जो विश्व में है उसकी 17% जनसंख्या जो भारत में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छे ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं? जो अच्छे ऊर्जा के अंतर्गत सौर, पवन एवं जल विद्युत ऊर्जा के स्रोत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय ऊर्जा जो है यूरेनियम से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सी विधि संधि बनाई गई? ये क्योटो प्रोटोकॉल बनाई गई, ये सबसे पहले जापान में बनाया था 1997 में। इसका जो उद्देश्य था क्योटो प्रोटोकॉल का, वो CO2 का उत्सर्जन कम करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा उपयोग का कितना % बायोमास ऊर्जा है? ये 15% बायोमास ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोमास का उदाहरण है लकड़ी, गोबर, जीव, कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देश में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक ऊर्जा का कितना % भाग बायोमास से प्राप्त होता है? ये 32% बायोमास से प्राप्त होता है। बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? जो बायोगैस का दूसरा नाम है ये बायोमीथेन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोमीथेन में CO2 का कितना % होता है? ये 32-43% होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का वनस्पति जगत में प्रतिवर्ष कितना बायोमास उत्पन्न होता है? ये विश्व में 120 अरब टन बायोमास प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थ का दहन क्या होता है? जो कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है वो बायोमास दहन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम कोयले में उपस्थित तत्व जो होते हैं 73% कार्बन, 4.5% हाइड्रोजन, 5.9% ऑक्सीजन और 1.5% नाइट्रोजन, जो सल्फर होती है 5% सल्फर, आयस 8% आयस और 2.1% वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सामान्य शर्करा एमिनो अम्ल व बसीय अम्ल में विभाजित करता है, हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी गैसों के अणुभार सामान्य ताप एवं दाब पर बराबर आयतन के होते हैं, यह कथन किसका है? एवोगाड्रो का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोगैस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत होती है? 55 से 60%। गोबर गैस संयंत्र में खाद बनाने की क्रिया में कितना समय लगता है? 40 से 55 डेज। 3, मीथेन पैदा करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? यह मीथोजेनेंस है, मीथेनोजेनेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया के लिए तापमान आवश्यक है 20 से 35 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्थिर डोमटाइन बायोगैस संयंत्र सबसे पहले किसने बनाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले चाइना ने बनाया था और भारत ने 1978 में बनाया, लखनऊ में बनाया, जो जिस इस मॉडल का नाम जो दिया भारत ने वो जनता मॉडल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीन बंधु बायोगैस प्लांट किसने बनाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन नई दिल्ली ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीर्घ क्षमता वाले गैसी फायर का उत्पादन क्षमता है, जो दीर्घ गैस इसका उत्पादन क्षमता है 50 किलोवाट से 300 किलोवाट तक है। बायोगैस ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? लकड़ी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोमास शब्द सबसे अधिक संदर्भित करता है, ये कार्बनिक पदार्थ संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोमास ऊर्जा क्या है और यह कैसे काम आती है? ये पौधे और जानवर से उत्पन्न ऊर्जा है। बायोमास के लिए किस प्रकार की वन सामग्री का अवशेष किया जाता है? लॉगिंग अवशेष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोमास का निर्माण सीवेज में एरोबिक पाचन एवं आधारित है, ये जैव ईंधन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हानिकारक रसायनों के परिणाम स्वरूप सभी मनुष्यों पर प्रभावित कर सकते हैं जीवन की दीर्घ आयु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौर सेल एक विद्युत उपकरण है जो द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है, ये फोटोवोल्टिक प्रभाव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। फोटोवोल्टिक प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये एमंड बेकरेल ने की थी 1939 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा, लघु पन बिजली, बायोगैस और सौर ऊर्जा जैसे अच्छे ऊर्जा स्रोतों के अनुसंधान और विकास के लिए प्रमुख रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में बड़ी मात्रा में स्थापित ग्रिड एक्टिविटीज अच्छे ऊर्जा क्षमता है, पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस भारतीय उद्यम का आदर्श वाक्य हमेशा के लिए ऊर्जा है? अच्छे ऊर्जा विकास एजेंसी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।